नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग के टॉप 5 4G एंड 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि 10 से 12000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियंस डे सेल चल रही है और ऐसे में सैमसंग के स्मार्टफोन पर काफ़ी भारी डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि 10 से 12000 रुपए के प्राइस रेंज में आने वाले वह कौन से स्मार्टफोन हैं जो कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पर आपको लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम 5वें नंबर के स्मार्टफोन से। दोस्तों, ये है गैलेक्सी F13 जो कि 5वें नंबर पर हमने रखा है। दोस्तों, इसके अगर प्राइस की बात करें तो फ्लिपकार्ट की सेल में यह आपको मात्र 8,500 रुपये की प्राइस में मिल जाता है। इसका एक्चुअल प्राइस 12,000 रुपये था। दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन मिलती है। प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में आपको एक्जीनोस 850 ऑक्टाकोर CPU मिल जाता है, जो कि सैमसंग के 12,000 रुपये के प्राइस में आने वाले ज़्यादातर फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 12 के साथ यह One UI 4.1 पर रन करता है। माली G52 इसमें आपको GPU मिल जाता है। इसके बैक पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन की बात करें तो इसके बैक पर आपको प्लास्टिक का फ्रेम एंड प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलती है। दोस्तों, वेट एंड थिकनेस की बात करें तो इसमें आपको 207 ग्राम का वेट एंड 9.3 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी वजह से हमने इस फ़ोन को 5वें नंबर पर रखा है। बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन के साथ आपको 6000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस प्राइस रेंज में यह है काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इसे ले सकते हो। दोस्तों, चौथे नंबर के फ़ोन की बात करता हूँ, वह है आपका गैलेक्सी M13 5G। दोस्तों, इस फ़ोन का लॉन्चिंग प्राइस 14,000 रुपये था, लेकिन अमेजन की सेल में यह आपको 10,799 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हालांकि इसका डिज़ाइन और M13 4G का डिज़ाइन दोनों का सेम है, दोनों के बैक पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है, फिर भी आप सोच रहे होंगे कि यह 4th नंबर पर डिवाइस क्यों रखा है। दोस्तों, इसके दो कारण हैं। एक तो इसमें HD डिस्प्ले मिलती है और दूसरा इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि आज के ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपको 4GB की रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। इसके बैक पर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50+2 MP का कैमरा आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD स्क्रीन मिलती है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। दोस्तों, इसका प्राइस आपने पहले ही देख लिया है। दोस्तों, इस फोन के हार्डवेयर की बात करते हो, इसमें आपको डायमेंसिटी 700 ऑक्टाकोर CPU मिलता है, जो कि एक 5G CPU है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 12 के साथ One UI 4.1 पर रन करता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसके फ्रंट पर आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। डिज़ाइनर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो, इसके बैक पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है। इसके अलावा यह पूरा फ़ोन प्लास्टिक से बना हुआ है। वेट एंड थिकनेस की बात करते हो, इस फ़ोन के साथ आपको 195 ग्राम का वेट एंड 8.8 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। अब दोस्तों, 3rd नंबर के फ़ोन की बात करें तो वह है आपका गैलेक्सी M13 4G। दोस्तों, इसके लॉन्चिंग प्राइस की बात करते हो, यह भी फ़ोन 12,000 रुपये के प्राइस में लॉन्च हुआ था, लेकिन दोस्तों अब अमेजन की सेल में यह फ़ोन मात्र 8,500 रुपये के प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसकी खास बात, मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस प्राइस रेंज में इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसके बैक पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है एंड बिल्कुल फ्लैट डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके बैक पर आपको प्लास्टिक का फ्रेम एंड प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलती है। अब दोस्तों, इसके वेट एंड थिकनेस की बात करें तो यह फ़ोन 192 ग्राम एंड 8.4 mm के थिकनेस के साथ आता है। अब दोस्तों, इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करते हो, इस फ़ोन में आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन मिलती है, जो कि 400 PPI के साथ आती है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें भी आपको 4GB की रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिलता है। इसके साथ आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। इसके बैक पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का इसमें आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। इसके फ्रंट पर आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि M13 5G से काफ़ी अच्छा है। हार्डवेयर की बात करते हो, इस फ़ोन के साथ भी आपको एक्जीनोस 850 ऑक्टाकोर CPU मिलता है। यह फ़ोन भी एंड्रॉयड 12 के साथ One UI 4.1 पर रन करता है। दोस्तों, लेकिन यह फ़ोन M13 5G को इसलिए थोड़ा सा बीट करता है, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा कैमरा मिलता है एंड फ्रंट कैमरे पर भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है।
बस थोड़ा सा गैलेक्सी M13 5G इसलिए आ गया है कि इसमें आपको एक 5G CPU देखने को मिल जाता है, बस इसके अलावा और इसमें कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। अब दोस्तों सेकंड नंबर के फ़ोन की बात करता हूँ, वह आपका सैमसंग गैलेक्सी F23 5G है। दोस्तों इसका लॉन्चिंग प्राइस 15,000 रुपये था, लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट की सेल में यह आपको मात्र 11,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। दोस्तों 11,000 रुपये के प्राइस रेंज में यह फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है। डिज़ाइन की बात करता हूँ, यह फ़ोन सैमसंग स्मार्टफोन के प्रीमियम फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। दोस्तों इसके बैक पर भी आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ, यह फ़ोन पूरा पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है। दोस्तों डिज़ाइन के मामले में मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा यह फ़ोन। दोस्तों इसकी अगर डिस्प्ले की बात करता हूँ, इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो दोस्तों जो रिफ्रेश रेट है, इससे आपकी जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है, यानी कि जो स्मूथनेस है, वह आपको काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलेगा। हार्डवेयर की बात करते हो, इस फ़ोन के साथ आपको स्नैपड्रैगन 750G ऑक्टा कोर CPU मिलता है। तो दोस्तों गेमिंग के मामले में यह फ़ोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इसमें आपको एंड्रॉयड 12 के साथ वन UI 4.1 भी देखने को मिलता है, यानी कि एक लेटेस्ट UI भी आपको इस फ़ोन के साथ देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करते हो, इस फ़ोन के साथ आपको 4GB की रैम एंड 128GB का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करता हूँ, इस फ़ोन के साथ आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। कैमरे की बात करता हूँ, इसके बैक पर भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का इसमें आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। अब दोस्तों जो फर्स्ट नंबर का फ़ोन है, वह आपका गैलेक्सी M33 5G। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा ओल्ड ज़रूर है, लेकिन दोस्तों इस फ़ोन के साथ जो आपको फ़ीचर्स मिलते हैं, वह काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स हैं। दोस्तों इस फ़ोन का प्राइस अमेजन की सेल में 12,499 रुपये है। दोस्तों इस फ़ोन के साथ आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसी के साथ इसमें आपको एक्जिनोस 1280 ऑक्टा कोर CPU मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया CPU है। इसके साथ आप हैवी गेमिंग भी कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको 6GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज मिलता है। बैटरी इसमें आपको 6000mAh की मिलती है। इसके बैक पर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का डेप्थ एंड 2MP का इसमें आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन से आप 4K तक का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। डिज़ाइन की बात करते हो, दोस्तों इसके बैक पर भी आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो, यह फ़ोन भी प्लास्टिक से पूरा बना हुआ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यदि आपका बजट 12,000 से थोड़ा ऊपर है, तो आप इस फ़ोन को ज़रूर लें, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको एक बेहतर CPU, बेहतर डिज़ाइन एंड आपको एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताया, जो कि 4GB हैं और 5GB हैं, 10,000 से कम के प्राइस रेंज में भी आते हैं और 10,000 से ऊपर के भी प्राइस रेंज में आते हैं। तो दोस्तों आपका जैसा बजट है, आप इस वीडियो के जरिए उसी फ़ोन को पसंद कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में, हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।